सो वेलकम टू मोटर व्यूज। आज बात करेंगे कावासाकी की तरफ से आने वाली इनकी टॉप थ्री अपकमिंग बाइक्स इन इंडिया। मैंने टॉप थ्री अपकमिंग कावासाकी के बाइक्स को शॉर्टलिस्ट किया है, जो कि आपको इन बाइक्स का लॉन्च 2021 में श्योर श्योर देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप न्यू मोटरसाइकिल लेने का प्लान कर रहे हैं इस साल, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। कावासाकी मोस्ट पॉपुलर ब्रांड है इंडिया में, इनके मोटरसाइकिल टोटली क्वालिटी बेस्ड हैं। कावासाकी जल्द भारत में न्यू बाइक्स को लॉन्च करेगी, सो डेली अपडेट के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है बाइक के रिलेटेड। तो चलिए आज का रिव्यू हम स्टार्ट करते हैं। सो जो थर्ड मोटरसाइकिल है इस लिस्ट में, वो है अपकमिंग कावासाकी Z300। कावासाकी जी सीरीज वैसे तो काफ़ी पॉपुलर है, बट इन बाइक्स में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है Z800। जी सीरीज वैसे तो काफ़ी पॉपुलर है, बट इन बाइक्स के हाई प्राइस के कारण कस्टमर का एक सपना ही रह जाता है इनको बाय करने का। सो कावासाकी वर्क कर रही है अब जी सीरीज के स्मॉलर कैपेसिटी इंजन पर, एंड ये बाइक आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा इंडिया में। कावासाकी Z300 ओवरऑल इस बाइक में आपको जो डिज़ाइन देखने को मिलेगा, वो कम्प्लीटली इसमें आपको स्ट्रीट नेकेड डिज़ाइन देखने को मिलेगा। फ्रंट लुक्स इसमें आपको काफ़ी अग्रेसिव देखने को मिलेंगे, एंड इसमें आपको मस्कुलर फ्यूल टैंक भी मिल जाएगा। Z300 ड्यूल पर्पस मोटरसाइकिल होगी, जिसके साथ आप सिटी राइड भी इंजॉय कर पाएंगे, एंड इसके साथ आप टूरिंग भी कर पाएंगे। अगर हम Z300 के फीचर्स की बात करेंगे, इसमें आपको फुली शार्प LED हेडलाइट मिल जाएगी विद LED DRLs, एंड इसमें आपको फुली LCD डिजिटल मीटर कंसोल भी मिल जाएगा। इसमें आपको ड्यूल चैनल ABS भी मिलेगा, एंड इसमें आपको इंजन कूलिंग टेक्नोलॉजी लिक्विड कूल मिलने वाली है। इस बाइक में आपको स्लिपर एंड असिस्ट क्लच भी मिलेगा। अगर हम Z300 के सस्पेंशन की बात करेंगे, फ्रंट में इसमें आपको 37mm टेलीस्कोपिक फोक सस्पेंशन मिलेंगे, रियर में इसमें आपको मोनोशॉक मिल जाएगा। डिस्क ब्रेक साइज इसमें आपको फ्रंट में 290mm पेडल डिस्क, एंड रियर में इसमें आपको 220mm पेडल डिस्क। टॉप स्पीड इसमें आपको 180 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से मिल जाएगी, एंड ओवरऑल माइलेज इसमें आपको 25 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से मिलने वाली है। अगर हम Z300 के इंजन की बात करेंगे, इसमें आपको सेम इंजन देखने को मिल जाएगा जो आपको निंजा 300 BS6 में मिलता है। इस बाइक में भी आपको सेम इंजन मिलने वाला है। डिस्प्लेसमेंट इसमें आपको 296cc का पैरेलल ट्विन फोर स्ट्रोक लिक्विड कूल इंजन मिल जाएगा। पावर इसमें आपको 39 HP की मैक्सिमम पावर ये बाइक जनरेट कर देगा। टॉर्क इसमें आपको 26 Nm ऑफ टॉर्क मिलेगा। सीट हाइट इस बाइक में आपको 785mm की मिल जाएगी। तो अगर आपकी मिनिमम हाइट 5'3" है, आप इस बाइक को इजीली राइड कर लेंगे। नंबर ऑफ गियर्स इसमें आपको 6-speed गियर मिलेंगे। फ्यूल टैंक इसमें आपको 17 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिल जाएगा। अगर हम कावासाकी Z300 के प्राइस की बात करेंगे, इसका प्राइस आपको 2,99,000 एक्स शोरूम देखने को मिलेगा, एंड इस बाइक का लॉन्च आपको इस ईयर के एंड में देखने को मिलेगा, दिसंबर को। तो जो सेकेंड मोटरसाइकिल है इस लिस्ट में, वो है अपकमिंग कावासाकी W175। नॉर्मली कावासाकी के जितने भी मोटरसाइकिल हैं, उनका प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है, बट ये फर्स्ट कावासाकी की अफोर्डेबल रेट्रो बाइक होगी इंडिया में। W175 फिलहाल इस बाइक की टेस्टिंग चल रही है, एंड बहुत ही जल्द इस बाइक को उतारा जाएगा भारत में। इस बाइक में आपको सिंपल एंड क्लासिक लुक्स देखने को मिलेंगे, एंड इसमें आपको सिंगल फ्लैट सीट भी देखने को मिल जाएगी। इस बाइक में आपको राउंड हेडलाइट भी देखने को मिलेगी विद बेसिक एनालॉग स्पीडोमीटर। ये एक बेसिक रेट्रो ऑफरिंग होगी कावासाकी की तरफ से। कावासाकी W175 में आपको क्या कुछ फीचर्स ऑफर किए जाएंगे, इसमें आपको फुली राउंड हैलोजन हेडलाइट देखने को मिल जाएगी, एंड इसमें आपको सिंगल चैनल ABS भी मिल जाएगा। इसमें आपको स्पोक व्हील्स भी मिलेंगे, एंड इसमें आपको लॉन्ग एग्जॉस्ट भी देखने को मिल जाएगा। इस बाइक में आपको एनालॉग स्पीडोमीटर भी मिलेगा, एंड फ्रंट एंड रियर में इसमें आपको डिस्क ब्रेक भी मिलेगी। अगर हम W175 के सस्पेंशन की बात करेंगे, फ्रंट में इसमें आपको टेलीस्कोपिक फोक सस्पेंशन मिलेंगे, रियर में इसमें आपको ड्यूल शॉक ऑब्जर्वर देखने को मिल जाएगा। टॉप स्पीड इसमें आपको 120 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से मिलेगी, एंड ओवरऑल माइलेज इस बाइक में आपको 45 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से देखने को मिल जाएगी। अगर हम W175 के स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे, इंजन इसमें आपको 177cc का एयर कूल्ड FI इंजन मिल जाएगा। पावर इसमें आपको 13 HP की मैक्सिमम पावर ये बाइक जनरेट कर देगा। टॉर्क इसमें आपको 13.2 Nm ऑफ टॉर्क मिलेगा।
नंबर ऑफ गियर्स इसमें आपको 5 स्पीड गियर मिल जाएंगे। फ्यूल टैंक इस बाइक में आपको 13.5 लीटर का देखने को मिलेगा। अगर हम कावासाकी W175 के प्राइस की बात करेंगे, इसका प्राइस आपको 1,30,000 एक्स शोरूम देखने को मिलेगा। एंड इस बाइक का लॉन्च आपको अक्टूबर 2021 में देखने को मिल जाएगा। तो जो फर्स्ट मोटरसाइकिल है इस लिस्ट में वो है अपकमिंग कावासाकी निंजा 400 BS6। कंपनी ने BS4 वेरिएंट को इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, बट बहुत ही जल्द इस बाइक का आपको BS6 वेरिएंट भी देखने को मिलेगा। ये बाइक काफ़ी पॉपुलर था, इसमें आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस भी मिलती थी। तो कावासाकी निंजा 400 BS6 में आपको क्या कुछ न्यू चेंजेस देखने को मिलेंगे? ओवरऑल लुक्स इस बाइक की आपको सेम देखने को मिलेंगे जो आपको BS4 वेरिएंट में मिलती थी। BS6 वेरिएंट में भी इसमें आपको सेम लुक देखने को मिल जाएगी। इस बाइक में आपको ऑल न्यू BS6 कंप्लाइंट इंजन भी अब मिल जाएगा। एंड इसमें आपको ऑल न्यू 2021 लेटेस्ट कलर्स एंड ग्राफिक भी देखने को मिल जाएंगे। इस बाइक में आपको काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि इसमें आपको TFT कलर डिस्प्ले भी देखने को मिलेगी, बट ये अभी कंफर्म नहीं है। अगर हम कावासाकी निंजा 400 BS6 के फीचर्स की बात करेंगे, इसमें आपको फुली ट्विन LED हेडलाइट देखने को मिल जाएगी। एंड इसमें आपको ड्यूल चैनल ABS भी मिल जाएगा। इसमें आपको इंजन कूलिंग टेक्नोलॉजी लीकेड कूल मिलने वाली है। एंड इसमें आपको स्प्लिट सीट भी मिल जाएगी। इसमें आपको स्लिपर एंड असिस्ट क्लच भी मिलेगा। अगर हम कावासाकी निंजा 400 BS6 के सस्पेंशन की बात करेंगे, फ्रंट में इसमें आपको 41mm के टेलीस्कोपिक फोर्क सस्पेंशन मिलेंगे। रेयर में इसमें आपको एडजस्टेबल प्रीलोड देखने को मिल जाएगा। डिस्क का साइज फ्रंट में इसमें आपको 310mm पेडल डिस्क एंड रेयर डिस्क का साइज इसमें आपको 220mm पेडल डिस्क। इंजन इसमें आपको जो देखने को मिलेगा 399cc का ट्विन सिलेंडर देखने को मिल जाएगा विद लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी भी इसमें आपको मिलेगी। पावर इस बाइक में आपको 49 HP की मैक्सिमम पावर ये बाइक जनरेट कर देगा। एंड टॉर्क इसमें आपको 38 Nm ऑफ टॉर्क मिल जाएगा। फ्यूल टैंक इस बाइक में आपको 14 लीटर का देखने को मिलेगा। एंड सीट हाइट इस बाइक में आपको 785mm की मिल जाएगी। अगर हम कावासाकी निंजा 400 BS6 के प्राइस की बात करेंगे, इसका प्राइस आपको 5,19,000 एक्स शोरूम देखने को मिलेगा। तो जो BS4 वेरिएंट का प्राइस था, इसका प्राइस आपको 4,99,000 एक्स शोरूम देखने को मिलता था। तो अब आपको न्यू बाइक के लिए 20,000 rupees ज़्यादा देने पड़ेंगे। अगर हम कावासाकी निंजा 400 BS6 के लॉन्च की बात करेंगे, इसका लॉन्च आपको अक्टूबर के स्टार्टिंग में देखने को मिलेगा 2021 में। तो फिलहाल जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी मैंने आपसे डिस्कस की। स्टिल आपके कोई डाउट्स या कोई भी क्वेश्चन आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM करो, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के रिव्यू को हम इधर ही वाइंड अप करते हैं। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।